हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये महिंद्रा की KUV है, 2016 का मॉडल है। KUV 100 है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका हीटर जो नहीं चल रहा है ना, हीटर मैंने चेक किया, हीटर चल नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोल के हीटर कोयल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो चलो फिर, मेरे को क्या क्या खोलना पड़ रहा है इसमें KUV 100 में, 2016 का मॉडल में, तो वो चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या लगता है। तो चलो फिर मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं ये ऊपर का पैनल निकाल दिया हूँ, क्योंकि मेरे को गियर बॉक्स का जो बोल्ट है ना, ये चारों बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो ये पैनल निकलेगा पहले, उसके बाद ये वाला फाइबर निकलेगा जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये वाला फाइबर को निकालने के लिए सबसे पहले घड़ी का मीटर निकलेगा, मीटर का ये ऊपर का कवर निकलेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा इजीली अपना। तो ये सॉकेट रही दो, और उसके बाद मेरे को ये सब चारों बोल्ट खोल के खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर ये सब खोल के मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये गियर बॉक्स का जो ये देख रहे हैं आप, सेटअप देख रहे हैं, तो ये जो है ना अखंडी, मेरा ये डैशबोर्ड नहीं खुल पाएगा, क्योंकि अखंडी खोलेंगे ना तो ये चीज़ें मेरे को जब निकालेंगे डैशबोर्ड तो ये अटकेगा। इस वजह से मैं इसका छुट्टा खोलने वाला हूँ। तो छुट्टा खोलने के लिए सबसे पहले कंट्रोल पैनल जो है ये खोलना पड़ेगा मेरे को। टेप निकाल दिया हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं, और मीटर निकालना पड़ेगा, मीटर की चारों स्क्रू खोल दिया हूँ। इसका सॉकेट है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेस वाला सॉकेट है। तो चलो ये सब चीज फिर मैं सॉकेट वगैरह निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैं अखंड निकालने की कोशिश किया, लेकिन बट ये वाली गियर जो है ना, ये एंगल नीचे वाली जो एंगल में है ना, वो जाके फंस रहा है, इस वजह से निकल नहीं पाएगा, निकल जाएगा बहुत कठिन होगा। इससे अच्छा मैं छुट्टा ही खोलूंगा, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा दिया नहीं है, तो छुट्टा खोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर एक एक पार्ट आपको देखने में भी समझ में अच्छा आएगा। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली मेरी डैशबोर्ड खुल चुकी है। मैं क्या क्या खोला हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। ये साइड पैनल इसको इधर कर दिया हूँ, और यहाँ का 10 नंबर, सॉरी यहाँ इसको 10 नंबर, और इधर का 2-3 10 नंबर है, 1 नंबर यहाँ का और 1 यहाँ का, उसके बाद 1 यहाँ का खोला हूँ। एयरबैग के पास से 12 नंबर यहाँ बोल्ट रहता है, और एयरबैग की सॉकेट सामने जो फ्रॉ पैसेंजर साइड का एयरबैग रहता है। बाकी सब खुल चुका है मेरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा हिल रही है डैशबोर्ड। और इस साइड मेरे को जो है ना, ये वाला हेडलाइट का स्विच, इस साइड का वाइपर का स्विच और हेडलाइट का स्विच दोनों खोल के बाहर लेना पड़ेगा। तो जब तक के लिए मैं ये बाहर ले लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये डैशबोर्ड जब हम निकालेंगे ना तो ये अटकेगा, इधर लगेगा इस वजह से। तो चलो फिर मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली डैशबोर्ड खोल दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी डैशबोर्ड निकल चुकी है, और डैशबोर्ड निकाल के मैं इधर रख दिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये गियर बॉक्स जो ये देख पा रहे हैं ना, ये अगर इसके डक्टिंग के साथ निकालते ना, अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ निकालते ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ जाके अटकता है। इस वजह से मैं इसको छुट्टा खोल रहा हूँ, एंगल को अलग से निकालूंगा और कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट अलग से निकालूंगा। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं ना पूरा एंगल निकालूंगा नहीं, एंगल इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि यहाँ से मेरे को मैटर करेगा, जितना निकालने में टाइम लॉस होगा ना, तो उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली कंट्रोल यूनिट का जो जितना भी 10 नंबर है, एक ये है, एक ये वाली है, और एक ये है, और यहाँ एक नीचे दिया है, और एक यहाँ दिया है, और यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो मैं सबको खोल के ये वाली पट्टी जो देख पा रहे हैं खोल दिया हूँ 12 नंबर का। इसको निकालूंगा और उस टाइप का भी पट्टी निकालूंगा। जैसा कि 10 बारह साइड का निकाल चुका हूँ मैं, तो इसको निकालने के बाद इस साइड का 12 नंबर एंगल का जो साइड से 52 नंबर रहता है वो सब खोल दूंगा। खोलने के बाद
मैं इसको आगे थोड़ा कटाऊंगा और बाहर से दिया है दूध, वाइपर पैनल खोलने के बाद, कॉल पैनल खोलने के बाद निकलेगा। ये जो देख पा रहे हैं ये वाला खोल दूंगा दोनों, तो मैं इस साइड इसको कटा करके कंट्रोल यूनिट अपना निकल जाएगा। ट्राई करूंगा निकलता है क्या नहीं, नहीं तो फिर बाद में खोलना ही पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो फिर मैं आगे लग जाता हूँ खोलने के लिए। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली 12 नंबर दोनों बाहर से मैं कॉल पैनल खोल के खोल दिया हूँ और इस साइड का बोर्ड जितना भी था खोल दिया हूँ, इस साइड का भी खोल दिया हूँ। अब देखो मेरा एंगल जगह छोड़ दिया है, तो ये देखो यहाँ तक आ गया अपना एंगल। तो अब मेरे को ये वाला सॉकेट निकालना पड़ेगा, आपको ये निकाल के इधर लेना पड़ेगा। तो अब मेरा कंट्रोल यूनिट निकल जाएगा। मैं हीटर कॉइल का और एक्सपेंशन वाल का खोला नहीं हूँ, तो चलो मैं बाहर आपको खोल के दिखा देता हूँ वो। अब ये मेरा इजीली निकल जाएगा, शॉर्टकट में अपना काम हो जाएगा। तो चलो फिर मैं बाहर का खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं कंट्रोल पैनल खोल चुका हूँ और ये जो दो 12 नंबर दिख रही है बाहर से, ये खोलना पड़ेगा। और उसके बाद हीटर कॉइल का पाइप और एक्सटेंशन वाल के पास का जॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब खोलने के बाद अंदर से मेरा क्लाइमेट कंट्रोल में बाहर निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं अंदर बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये अपनी हिल रही है पूरी, बॉडी उडी में लगा रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं निकल चुका। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं बाहर ले चुका हूँ इसको। देख पा रहे हैं ये रही हीटर कॉइल, तो इसको मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर बाहर आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसको अलग कर दिया हूँ, कूलिंग कॉइल वाला पोर्शन अलग कर दिया हूँ, हीटर कॉइल वाला अलग कर दिया हूँ। तो मेरे को इतनी सारी ब्लैक का जो लॉक है सब निकालना पड़ा है। तो चलो फिर मैं इसको हीटर कॉइल बाहर लेकर के आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना सारा इसको खोल दिया हूँ, ये साइड का क्लिप रहता है खोल दिया हूँ, और अंदर रहता है एक स्क्रू यहाँ रहता है खोल दिया हूँ, और एक यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है और एक यहाँ रहता है, तो सब खोल दिया हूँ। तो ये बाहर आ जाएगा मेरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही इसका हीटर कॉइल। फिटिंग रहता है और नया वाला ये रहा अपना, ये हीटर कॉइल आपको लगभग 3500 के आसपास मिल जाएगा नया। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ, ये सारे देख पा रहे हैं सारे फ्लैप हैं, तो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं फिट कर चुका हूँ नया वाला हीटर कॉइल, और फिर ये वाला ट्रे इसके ऊपर डाल देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली फिट कर चुका हूँ, तो ये फ्लैप का जो ये पोर्शन है ना, घुमा के एक बार देख लीजिएगा आप जब भी फिटिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बाद में उल्टा सुल्टा फिट हो जाता है, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम करेगा। ये भी देख लीजिए प्रॉपर तरीके से घूमना मांगता है। तो चलो फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फिट हो चुका, और मैं इसको उसमें लगा करके वो वाली बॉडी में लगा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं इसको फिट कर चुका हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। चलो फिर मैं इसको गाड़ी में बैठा करके आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं गाड़ी में डैशबोर्ड ये कंट्रोल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट डाल दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, इसमें दो दो फिल्टर दिया हुआ रहता है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये फिल्टर है और यहाँ दिया है एक फिल्टर, निकाल देता हूँ जरा मैं। जैसा कि देख पा रहे हैं एक ये रहती है और एक ये वाला दिया हुआ रहता है। तो इसमें इवापोरेटर कॉइल गंदा होने का कुछ चांस ही नहीं रहता, और कंपनी ने इतनी अच्छी से बनाया है फिल्टर, डबल फिल्टर दिया है, तो इवापोरेटर कॉइल ने जल्दी इसका कचरा होता ही नहीं है। तो चलो फिर मैं आगे का फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, एंगल अंदर डाल करके आगे दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं एंगल भी बैठा दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैठ चुकी है एंगल पर, मैं सब बोल्ट फिटिंग किया नहीं हूँ, सब बोल्ट वगैरह फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसका स्टेयरिंग निकाला नहीं था,
स्टेरिंग जैसा कि आप देख पा रहे निकाला नहीं था, बगैर निकाले हुए मैं इसको निकाला हूँ, क्योंकि स्टेरिंग खोलने जाओ तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मेरा। तो चलो फिर मैं सब फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं सब फिटिंग कर दिया हूँ, जो जो भी खोला था सब फिट कर दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितना भी बोल्ट वगैरह कोई कुछ भी खोला था सब मैं फिटिंग कर चुका हूँ। अब मेरे को डैशबोर्ड डालने का है, डैशबोर्ड डाल के फिर अंदर आपको आगे फिर दिखाता हूँ। तो चलो फिर ये मेरा ये बोल्ट बाहर से लगाना बाकी है, अभी ये भी लगा देता हूँ, तो लगा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे डैशबोर्ड में फाइनली डाल चुका हूँ और बाकी सब फिटिंग वगैरह करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो, जैसा कि देख पा रहे हैं सब खुला पड़ा हुआ है मेरा, तो सब फिटिंग कर देता हूँ फाइनली, फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो फिर दिखाता हूँ आगे। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे गाड़ी लगभग पूरी फिट हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ क्लस्टर मीटर का कवर और ये वाला कवर लगा के मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं अंदर मेरा सब फिट हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ, बाहर भी सब फिट हो गया है वो सब भी दिखा देता हूँ, और आगे मैं सब गैस वगैरह चार्ज करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर भी प्रॉपर पूरा फिट हो चुका है, यहाँ का 12 नंबर फिट हो चुका है और कॉल पैनल लगाना बाकी रहा, फ्रेशर का पाइप भी लगा दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं एक्सटेंशन वाल का भी लगा दिया हूँ और सब फिटिंग हो गया और कॉल पैनल लगाना बाकी है, लगा के मैं फिर दिखाता हूँ। चलो फिर। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं वैक्यूम अपना कंप्लीट हो गया, वैक्यूम में लगा दिया था मैं, जैसा कि देख पा रहे हैं लॉ हाई लगा हुआ है। तो चलो फिर मैं इसमें गैस मार देता हूँ। चार सौ ग्राम गैस बस हो गया, जैसा कि देख पा रहे गैस चार्ज हो चुका है। तो चलो मैं अंदर जाता हूँ, अंदर गाड़ी चालू करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली अपनी गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है और गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है। जैसा कि देख पा रहे एसी ऑन है, जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लोअर चालू है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 8.8 पे आ चुका है, अभी 8.9, अभी कंप्रेसर ट्रिप हो चुका है, 8.4 वापस से चालू हुआ कंप्रेसर, 7 पे आ चुका, 6.5 पे आ चुका, यानी कूलिंग प्रॉपर हो चुका है, कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। तो मैं इसका हीटर कॉइल रिप्लेस किया था, तो आपको हीटिंग टेम्परेचर दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर हाई कर रहा हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। एक्चुअली मैं इसका हीटर कॉइल हुआ क्या था कि सर गया था ना, इसकी वजह से इसका हीटर कॉइल रिप्लेस किया गया, हीटिंग टेम्परेचर आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। जैसा कि देख पा रहे हैं 20-30 पे आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर, तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूं और देखता हूं हीटिंग टेम्परेचर कहां तक जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं 54 तक आ चुका, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं ये सब वीडियो जो तो बना रहा हूँ ना सिर्फ आपको दिखाने और समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है एयर कंडीशन सिस्टम में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बस सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, और मेरे चैनल में आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आगे जा करके अच्छी तरीके से कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।